Now we will discuss about the different type of microorganism. हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया, जो इसको कैटेगराइज किया है, उसमें ये देखा है कि इनके डिफरेंट इफेक्ट्स के बारे में स्टडी की और ये कंक्लूड किया कि डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव कैटेगराइज्ड एंड अकॉर्डिंगली वी आर स्टडिंग इट। ठीक, तो ऐसा साइंस जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसमें और भी जब हम लोग जाएंगे आगे तो वहाँ भी बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोलॉजी है, वायरस के लिए वायरसोलॉजी है। दीज आर द डिफरेंट विंग्स ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन अबाउट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इसे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग को सिर्फ ये जानना है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इनके बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है, इनके टाइप्स के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो आई हैव गिवन यू अ डिफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम पहचानेंगे कैसे, तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। आपने इसे पहले वाले डिफिनेशन में देखा है, ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और इनकी एक खासियत है कि इनके बॉडी कवरिंग पर एक रिजिड कवर होता है, एक सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्लांट्स में आपने पढ़ा कि प्लांट के स्ट्रक्चर में आउटर कवरिंग पर एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, वो उसे प्रोटेक्शन करता है आउटर सराउंडिंग से। एग्जैक्टली उसी तरह इस बैक्टीरिया के आउटर कवरिंग पर भी एक हार्ड लेयर होता है जिसको हम रिजिड सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सेलुलोज का नहीं बना होता है, ये प्रोटीन है जिसको साइटिन कहते हैं, यानी ये साइटिन जैसे प्रोटीन से बना होता है और इसका भी वही काम है, ये भी बैक्टीरिया को आउटर सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, और यही कारण है कि ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने इस बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया, उसको कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप्स। किस तरह का ये बैक्टीरिया है, हमने कैटेगराइजेशन में क्या बेसिस लिया, उसके शेप को बेसिस लिया और ये बताया कि ये किस तरह का होगा। तो चार मेजर कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा शेप के होंगे। आप नेट पर सर्च करिए, बुक में देखिए कॉमा शेप बैक्टीरिया कैसा होता है, और उसका एग्जाम्पल है विप्रो कॉलरा। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉमा के शेप का होता है, स्फेरिकल। ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया ये सबसे कॉमन है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स इज स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिसका एक बहुत ऑब्वियस है एग्जाम्पल स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस जो है ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे लिए डेंजरस इफेक्ट बनाता है। ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसको स्ट्रिप्टोकोकेई कहते हैं। स्ट्रिप्टोकोकेई एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है यदि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक प्रोटीन है जिसका हमारे बॉडी को कोई काम नहीं, तो उस स्थिति में ये हमें अलाइनमेंट देता है, हमें बीमारी का कारण बनाता है। तो ये सबसे कॉमन है और इसका जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रिप्टोकोकस है। बहुत सारे बीमारी में जो जिसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो स्ट्रिप्टोकोकस ही होता है। ठीक है, आप इसके बाद इस टॉपिक को आपको क्लास 10 में भी पढ़ना है, व्हाई डू वी फॉल इल। उस चैप्टर में, वहां चैप्टर का नाम अलग है, वहां है व्हाई डू वी फॉल इल और यहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन दोनों में कंटेंट्स ऑलमोस्ट एक ही है। यहाँ पर आपको इसके बारे में जानना है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल और हार्मफुल कैसे हैं, वहाँ उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना है। खैर, थर्ड वन इज रॉड शेप, रॉड के शेप का होता है ये, है ना, इस तरह का शेप का होता है ये। इसका एक बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है इकोलाई, ये हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, प्रेजेंट होता ही होता है कम या ज़्यादा, लेकिन ह्यूमन बींग के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है इकोलाई। ये रॉड शेप का होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लोअर पार्ट में, जिसको इलियम कहते हैं। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तीन भाग में बटा हुआ है, ड्यूडिनम, जेजिनम और इलियम। ये इकोलाई
ईलियम में पाया जाता है। ये हमारे बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो खाना हमने खाया, डाइजेस्ट किया, अब वो बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाना है, उसी जगह पर ये रहता है और हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके डेवलप कर जाता है। ठीक, पैरासाइट नेचर का है। फोर्थ वन इज स्पाइरल शेप्ड, इसमें ट्रेपोनेमिया है। ट्रेपोनेमा कहते हैं इसको। ट्रेपोनेमा जो है ये इस तरह का होता है, स्पाइरल शेप का होता है ना। ये वाटर बॉर्न बैक्टीरिया है, वाटर में सबसे ज्यादा होता है। आप बस कुछ नहीं कीजिए, कहीं से जैसे एक ग्लास पानी लीजिए और उसको बॉटल में बंद करके कुछ महीने छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करना, पानी लेना है और उसको एक बॉटल में बंद कर देना है जिसमें कोई एयर कॉन्टैक्ट ना हो। आप कुछ 10-15 दिन 20 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें एक झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर पानी के अंदर बनने लगी। ठीक है, ये यही है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है जिसको ट्रेपोनेमा कहते हैं। इसके यदि ये कोई कंटामिनेटेड वाटर यदि पी लेता है तो उसको डिसेंट्री हो जाती है, वोमिटिंग होनी टेंडेंसी हो जाती है, ये इसके कारण होता है जिसको ट्रेपोनेमा कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया है जो हमारे ऑर्गन, हमारे लिविंग सिस्टम का एक सबसे इंटीग्रल पार्ट है। ये हम इससे नुकसान भी होता है और हमें इसके फायदे भी मिलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल और हार्मफुल कैसे होता है। अभी जैसे मैंने आपको कुछ बैक्टीरिया के शेप के बारे में बताया, ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ये कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं। जैसे स्पाइरल शेप में आपने, मैंने आपको स्ट्रेप्टोकोकस बताया, इसी में लैक्टोबैसिलस आता है। रॉड शेप बैक्टीरिया जो है, जो इकोलाई का कैटेगरी है, इकोलाई जिसमें जिसका एग्जाम्पल है, इसी में लैक्टोबैसिलस भी आता है। ये बैक्टीरिया क्या है, हमारे लिए कर्ड फॉर्मेशन करता है। कर्ड आपने देखा है, वो क्या होता है, दूध से कर्ड में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये बैक्टीरिया है जो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में और डेवलप हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो कर्ड हमें कंडेंस फॉर्म में, जमे हुए फॉर्म में दिखता है, बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाते हैं जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, I want you to note down these definitions and the different examples of the bacteria based on their shapes. इसके बाद वाले videos में हम लोग bacteria के friendly और harmful effects के बारे में discuss करेंगे।